हाय एवरीवन, पिछली क्लास में हमने परमुटेशंस की चर्चा किए थे और देखे थे कि उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो, नंबर बेस्ड हो या फिर आपका अल्फ़ाबेट वाला टर्म में हो, किसी भी तरह से वो प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते थे वो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, अगर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आते हैं कि हैंडशेक के बेस्ड, हैंडशेक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अगर कुछ ग्रुप में, एक ग्रुप में कुछ व्यक्ति या कुछ पीपल हैं तो अगर वो आपस में हाथ मिलाना शुरू करेंगे तो कितने हाथ मिलेंगे, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है। दूसरे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि कुछ पॉइंट दिया हुआ रहता है और टू पॉइंट्स को मिला के लाइन बनाना होता है, तो अगर आपके सामने 10 पॉइंट दे दिए तो बताना है कुल कितने लाइन बनेंगे। तीन पॉइंट को मिलाकर कुछ ट्रायंगल बनाने होते हैं, अगर आपके सामने 20 पॉइंट दे दिए और पूछा जाएगा कि कितने ट्रायंगल्स का निर्माण होगा अगर हम तीन तीन पॉइंट को मिलाकर के ट्रायंगल बनाना शुरू किए तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ऐसे तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। या फिर आपके प्रश्न में जैसे आपने मैच देखा होगा कि अगर IPL मैच होती है या फिर, तो उसमें 8 टीम होते हैं, अगर वो आपस में मैच खेलेंगे यानी फाइनल तक मैच खेला जाएगा तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे उस IPL टीम मैच में, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किसी पार्टी में आप देखते हो कपल लोग जाते हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ होते हैं साथ में, तो इस तरह के भी सवाल, उस पर भी बेस्ट सवाल आते हैं, कितने कपल्स पॉसिबल है, तो सब इस सब जो भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं। और से देखेंगे कि कैसे हम यहाँ क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। एक बात और कि जो बच्चा सच में पढ़ाई करना चाहता है, जो बच्चा सच में कुछ नया सीखना चाहता है ना, प्लीज़ वो इस वीडियो को देख पाइएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कुछ नया सीखना, आपको वही चीज़ें चाहिए, तो प्लीज़ आप कोई और वीडियो चालू कर लो, इसे आप छोड़ दो। आइए शुरू करते हैं, हम लोग जो भी हैं देखना चाहते हैं शुरू करेंगे सबको मिलके। पहले एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे, बहुत बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, चीज़ों को एकदम समझना है, आराम आराम से समझना है, तब जाके समझ में आएगी ये बातें आपको। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि हमारे सामने तीन अल्फ़ाबेटिकल टर्म है यानी तीन लेटर है हमारे सामने, ABC, अगर हम दो लेटर को साथ में रखना चाहेंगे तो आप कहोगे कि सर ABAC BC। इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी है अगर हम दो लेटर को साथ में रखना चाहेंगे तो आप कहोगे कि जी नहीं, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। यानी हमारे पास टोटल कितने तरीके हुए, तो आपने कहा कि सर तीन तरीके हुए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ ये तीन व्यक्ति है और जिसमें से दो को हमें जॉब देने हैं, बात समझ रहे हो, अगर तीन में से दो को जॉब देना है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दो दो लोगों को। अगर हमें ये कहा जाए कि जो जॉब का पोस्ट है, अगर हमें एक को प्रेसिडेंट बनाना है और एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, ये तीन में से दो को प्रेसिडेंट बनाना है और एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है इस पेयर का। तो सबसे पहले यहाँ हमने कोई कंडीशन नहीं दिया था, केवल हमने आपको ये कहा कि दो का सिलेक्शन करना है, दो को चुनना है तो कितने तरीके हो सकते हैं इस तरह से दो दो लोग को चुनने का। तो आपने ABAC और BC किया और ये तीन तरीके थे। लेकिन अगर हम आपसे बोलेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनना है लोगों को, तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन एक प्रेसिडेंट के लिए ए करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बी करेंगे। यानी अगर प्रेसिडेंट के लिए ए का सिलेक्शन होगा तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बी का सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा समझना है गौर से, हम ऐसा भी कह सकते थे कि अगर प्रेसिडेंट बी होगा तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ए होगा। यहाँ पे अगर हम दो का सिलेक्शन करते AB और फिर आप कहते कि सर BA, तो ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, केवल दो का सिलेक्शन आया था। लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ हम देखेंगे कि AB और BA, तो अगर ए एक बार प्रेसिडेंट बना है तो बी वाइस प्रेसिडेंट बना है, लेकिन यहाँ पे वो बी प्रेसिडेंट है तो ए वाइस प्रेसिडेंट है, यानी दोनों का पोस्ट बदल चुका है। यहाँ पे बस ये चीज़ें अल्टरनेट थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वही ये चीज़ें लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे कर रहे हैं
इस चीज़ों को, तो जो यहाँ अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट फॉर्म में एक और वो पेयर बना रहा है। जैसे अगर हम एसी की बात करेंगे तो एक बार ए प्रेसिडेंट होगा तो सी वाइस प्रेसिडेंट होगा, अगर उसी तरह से सी वाइस प्रेसिडेंट होगा तो सी अगर प्रेसिडेंट होगा तो ए हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। जस्ट लाइक यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे, अगर हमारा बी प्रेसिडेंट होगा तो सी वाइस प्रेसिडेंट होगा, और सी प्रेसिडेंट होगा तो बी वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब ये चीज़ें सेम नहीं है, ये वाली बातें अब सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ए बी और बी ए हम लिखते तो वो दोनों बिल्कुल सेम था। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि यहाँ हमें उसके ऑर्डर नहीं पता। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें, यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्या इम्पॉर्टेंट थी? ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था, और यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी यहाँ टोटल कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए, और यहाँ टोटल कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए। क्या ये बातें सबको समझ में आई आपको? ये चीज़ें समझ में आई कि ये केवल सिलेक्शन था जिसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं करता है, और इस सिलेक्शन में केवल और इस सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट करता है। बात समझ रहे हो? आपको जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाए स्टार्ट किए तो उसके हमने डिफिनेशन में ये बताया था, मैथमेटिकल टर्म में हम परम्यूटेशन को अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप बताओ, यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन, और यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है तो ये हमारा है परम्यूटेशन। ये दोनों बात समझ में आई सभी को क्या, कि कॉम्बिनेशन का क्या कंडीशन है और परम्यूटेशन का क्या कॉम्बिनेशन है। हमने बताया था आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में कि जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल होता है। ये बातें हमने आपको बताई थी। और परम्यूटेशन में हमने आपको बताया था एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, अगर हम यहाँ दोनों जगह r के फैक्टोरियल से गुना कर लेंगे तो आप देख रहे हो कि r के फैक्टोरियल से r के फैक्टोरियल ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें क्या मिला हमें? सेम चीज़ ये मिली है। इसका मतलब है कि r का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर का जो फैक्टोरियल होगा एन पी आर के बराबर होगा, और ये रिलेशन हमने आपको दिखाया था। याद है सभी को कि एन पी आर और एन सी आर के बीच का रिलेशन क्या होता है? ये हमने आपको प्रूफ करा, मतलब ये हमने आपको वहाँ दिखाया था। अब आप बताओ यहाँ पे टोटल कितने थे? तो टोटल नंबर 3 थे, और सिलेक्शन कितना का करना था? 2 का करना था सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में। तो हम यहाँ बोलते कि 3C2। अब 3C2 के बारे में आपको पता है, 3 × 2 × 1 और 2 को 2 × 1, ये ख़त्म हो गया चीज़ें। यानी टोटल 3 तरीके थे जो आपको यहाँ दिखाए हैं। लेकिन परम्यूटेशन में हमने आपको क्या बताया था? NPR यानी 3P2, यही बताया था ना। तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि 3 को आपको क्या लिखना है? 2 बार लिखना है, यानी 6 तरीका होगा, क्योंकि यहाँ बेस पे 2 था। तो ये परम्यूटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। शायद आपको समझ में आई होगी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क होता है। हमने बस आपको अभी ये बताया कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है। तो परम्यूटेशन में अभी हम और एग्जांपल करेंगे। परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, सॉरी, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन परम्यूटेशंस में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गई बातें? अब परम्यूटेशंस जो हमारा है, एक चीज़ और यहाँ से क्या समझ में आया आपको, कि जो हमारा परम्यूटेशन है वो कॉम्बिनेशन से बड़ा है। यानी एक चीज़ और ये समझना था आपको कि जो एन पी आर का वैल्यू होगा वो एन सी आर से बड़ा होगा। एन पी आर का जो वैल्यू होगा वो एन सी आर से क्या होगा? बड़ा होगा। और ये बातें हमेशा ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये चीज़ें हमेशा एक चीज़ पे फॉलो करेंगे, जैसे अगर हमारे सामने नंबर दोनों के लिए इक्वल है तब। समझ रहे हो आप? अगला प्रश्न, अगर हम अगला एक एग्जांपल अगर हम करना चाहेंगे तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ प्रश्न है कि हमारे सामने ए बी सी और डी चार लोग हैं, किसी 3 का सिलेक्शन करना है, ये 4 में से किसी 3 का सिलेक्शन करना है, तब क्या करोगे आप? टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, और 4C3 हो गया हमारा सिलेक्शन 4 में से 3 का।
प्रश्न समझ में आया आपको कि चार लोग हमारे थे और किसी तीन को सिलेक्ट करना है तो कितनी संभावनाएं हो सकती है तीन को चुनने का, तो 4C3 यानी कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर आपके सामने प्रश्न ऐसा आता है कि चार लोग हैं और हमारे सामने तीन चेयर है और तीन तीन को बैठाना है तो कितनी तरीका है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब समझ में आ रही है, इस कंडीशन में आप समझना 4C, अगर हमें यहाँ पे चार में से तीन का सिलेक्शन करना था तब हमें क्या करना था कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं था, बात समझ रहे हो। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जब चेयर पे बैठाने की बात होगी तो यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होगा, और जब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होगा तो आपको पता है कि उस कंडीशन में 4P3 यानी आप परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगाते हो। ये फ़र्क होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। यहाँ पे कोई कुछ बात नहीं की गई है ना ऑर्डर का ना कुछ का, बस आपको ये करना है कि चार में से तीन का सिलेक्शन कर लेना है। तो 4C3 इतना सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने तीन चेयर पे चार में से तीन लोगों को बैठाना है तो वहाँ पे हमें अरेंज करना होगा, वहाँ पे हमें ऑर्डर से बैठाना होगा, एक क्रम वहाँ पे दिखना चाहिए, तो 4P3 करेंगे। अब आपको समझाते हैं, ये चीज़ें समझना है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब हमें NPR का फॉर्मूला चाहिए तो R का फैक्टोरियल इंटू NCR करेंगे, R का फैक्टोरियल इंटू NCR करेंगे। अभी हमने दोनों में रिलेशन दिखाया था ना, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4C3 इंटू कितने लोगों को बैठाना है, तीन लोगों को, तो तीन का फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर है। तो हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना था, अगर ऐसे हमें अरेंज करना होगा तो आपको ये तरीका लगाना है। समझ में आ रही है बातें आपको, कि अगर हमें तीन लोगों को बैठाना था चेयर पे तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ये एक्चुअली में है परम्यूटेशन से, लेकिन आपने जो रिलेशन निकाला है वहाँ से चीज़ों को हम लिखने की कोशिश किए हैं। ये बात समझ में आई सारे लोगों को। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे सामने ABCDE पांच लोग हैं और कहता है ये पांच लोग में से किसी दो का सिलेक्शन करना है हमें, तो कितने सारे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5C2 करना है और ये हमारा आंसर होगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमने आपसे बोला कि पांच में से दो लोगों को जॉब देना है, अगर जॉब हमारे पास दो होगा ए और बी, क्लियर हो रहा है कि हमें चुनना है जॉब ए जॉब बी, ये दो में से दो जॉब देना है पांच में से किसी दो को, उस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है 5P2, क्योंकि यहाँ हमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ अगर हमें केवल दो का सिलेक्शन करना था, बात समझिएगा कि इस पांच में से अगर दो का सिलेक्शन करना था तो अगर हम ए बी चुनेंगे तो फिर हम बी ए नहीं चुनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ सिलेक्ट हुआ है सेम व्यक्ति फिर से यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ें करना गलत था। लेकिन जब हम आपको ये कह देते हैं कि हमारे पास दो जॉब है ए और बी और उस कंडीशन में हमें दो लोगों को चुनना है, तो अगर ए को ए जॉब मिला है तो बी को बी जॉब मिलेगा। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बी को अगर ए जॉब मिलेगा तो ए को बी जॉब मिलेगा, ये दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट करता है, और जब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट करता है तो परम्यूटेशन लगाएंगे, यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है बस कॉम्बिनेशन लगाएंगे, क्लियर हो रही है बातें आपको। लेकिन परम्यूटेशन भी लगाने के लिए आपको फॉर्मूला नहीं करना था, कॉम्बिनेशन आपको पता है 5C2, लेकिन पता है आपको कि कितने लोगों को चुनना है, दो लोगों का सिलेक्शन करना है, तो दो का फैक्टोरियल कर लीजिए, मिल गया हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि अगर आपके किसी क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, आपके प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि पहला प्रश्न है कि किसी पांच को वॉलेंटियर बनाना है, क्लियर है, 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स में किसी पांच को अगर वॉलेंटियर बनाना है तब टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, टोटल 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स में 5 वॉलेंटियर बनाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, 18C5, ये मिल चुका है हमारा आंसर, क्लियर हो रही है। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 वॉलेंटियर में अगर 3 बॉय हो और 2 गर्ल्स हो, क्लियर है,
आपको 5 वॉलेंटियर चुनना है जिसमें 3 बॉय और 2 गर्ल्स हो, तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कुछ नहीं, टोटल वॉयज की संख्या कितना, 10, और 3 का चुनना है तो 10c3, 2 गर्ल्स हैं टोटल गर्ल्स 8। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि प्लस करना है या मल्टीपल करना है, तो हमें चुनना टोटल कितना था, 5 वॉलेंटियर, तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो जैसे ही एंड आते हैं इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। क्लियर हो गई? अगर यही प्रश्न ऐसा आता कि मेजोरिटी इन बॉयज, यानी लड़कों की मेजोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आपका होता कि जो मेजोरिटी ऑफ बॉय उस जो सिलेक्शन में, यानी वॉलेंटियर के सिलेक्शन में लड़कों की मेजोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? 5 वॉलेंटियर है तो हम कह सकते हैं कि 3, 4 या 5 बॉयज हो सकते हैं, क्योंकि जब 3 बॉयज होगा तो 2 लड़कियां होंगी, तब मेजोरिटी 3-2-5 होगा और बॉय का मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर 4 बॉयज चुनेंगे तो 1 लड़कियां होंगी, यहाँ पर क्योंकि हमें टोटल तो 5 ही सिलेक्शन करना है, तो अगर हम 3 चुनेंगे तो 2 लड़कियां, 4 चुनेंगे तो 1 लड़कियां, और 5 चुनेंगे तो 1 भी लड़कियां नहीं। इसका मतलब है कि मेजोरिटी 3, 4, 5 पॉसिबिलिटी होगा बॉयज का 5 के लिए। क्लियर हो गए? अब आपको बताना है कि कितने सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहला कंडीशन है कि अगर 3 बॉयज है, टोटल कितने बॉयज है, 10 है, तो 10c3। क्लियर है? और अब आप बताओ यहाँ से कि टोटल गर्ल्स कितनी है, 8 है, तो यहाँ 8c2। अच्छा, अब हमें तो टोटल 5 चुनना था ना, 5 चुनना था, तो यहाँ मल्टीपल होगा या प्लस होगा? तो आप जान रहे हो कि 3 बॉयज है और 2 लड़कियाँ को चुनना है, मतलब और चुनना है, ऐड चुनना है, तो गुना करेंगे। दूसरी बात, या अगर हम यहाँ पे आते हैं कि अगर 4 बॉयज होता, अब बात समझ रहे हो आप, पहला हमारा जो केस होगा वो ये होगा। सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि 10C अगर 4 लड़के होंगे तो 8C1 1 लड़कियां होंगी। तीसरा केस क्या पॉसिबिलिटी है हमारे सामने कि 10C5 होगा तो 8C0 होगा, क्योंकि टोटल वॉइस यहां आ गया। अब पहला केस में ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है 5 लोगों के सिलेक्शन का, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी, सभी को जोड़ देंगे और यही हमारे सामने टोटल पॉसिबिलिटी है जब 3 मेजोरिटी ऑफ वॉइस का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके सामने टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और आपको इसमें 12 अटेम्प्ट करना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 12 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चंस में, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है अगर 12-12 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, कॉम्बिनेशन करना है। देखो यहाँ से समझो इस चीज़ों को, बिल्कुल ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, किसी भी 12 को आप सॉल्व कर लो, क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ पे हम अगर ऐसा करते कि हाँ पहला तीसरा पाँचवा ऐसे ही सिलेक्शन करना है, तब वो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट करता और वहाँ पर हम परमुटेशंस लगाते। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? जैसे अगर आपके सामने कुछ प्रश्न आता, आपने मैच खेला है, मैच में टोटल कितने प्लेयर चुने जाते हैं, 15 प्लेयर होते हैं ना, और इस 15 प्लेयर में आपने सिलेक्शन कितना करना है, 11 को। तो सबसे पहला तो प्रश्न होगा कि 15 खिलाड़ी में से अगर 11 खिलाड़ी को चुनना है तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप कहोगे सर 15C11, जैसे अभी हमने प्रश्न के बारे में बताया कि 15 प्रश्नों में अगर 12 प्रश्नों को सॉल्व करना है तो 15C12, ये आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतनी सारी तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे ना करके अगर 15 प्लेयर में ऐसा कुछ आ जाता है कि 7 हमारे सामने बैट्समैन है, 6 हमारे सामने बॉलर है और 2 हमारे सामने विकेट कीपर है, ऐसा मान लो कुछ 6 बैट्समैन है, 6 बॉलर है और 2 विकेट कीपर है, 7, 6, 13, 2, 15। अब हमें चुनना क्या है, 11 लोगों को चुनना है, तो हमें ऐसे चुनना होगा कि अगर 6 बैट्समैन को चुनना है, 4 बॉलर को चुनना है और उसमें से 1 विकेट कीपर को चुनना है, 6, 4, 10, 11। यानी टोटल 15 में से 7 बैट्समैन थे, 6 बॉलर थे और 2 विकेट कीपर थे, लेकिन अब हमें 11 का सिलेक्शन करना है जिसमें 6 बैट्समैन होना चाहिए, 4 बॉलर होना चाहिए और उसके बाद 1 विकेट कीपर होना चाहिए, तब कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो देखिए टोटल कितने बैट्समैन है, 7 बैट्समैन है, तो 7C चुनना कितनों को है, 6 को, और अभी चीज़ बाद में समझाएंगे, 6 बॉलर है,
छः, चुनना कितनों को है? चार। दो विकेट कीपर है, चुनना कितने लोगों को है? एक को। अब आप यहाँ पे गुना करोगे या जोड़ करोगे तो ये समझना है आपको कि हमें तो टोटल 11 लोगों को चुनना है, 11 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 6 बैट्समैन एंड 4 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर, या अगर या लगा देते हो तो इसका मतलब होगा कि टोटल मैच या तो 6 बैट्समैन ही खेलेंगे, या टोटल मैच 4 बॉलर ही खेलेंगे, या टोटल मैच 1 विकेट कीपर ही खेलेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये तीनों मिलकर खेलेंगे, एंड कंडीशन लगेगा, और एंड कंडीशन में हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो अगर अब भी आप नहीं समझ रहे हो ना, तो हमें नहीं लगता इसे सरल तरीके से और समझाया जा सकता, और इतनी सारी एग्जाम्पल करके समझाया जा सकता है। क्लियर है, हो रही है सब चीज़ें ना आपको? हमने कंक्लूजन क्या देखा कि जब आपके सामने आर टर्म्स इन एन आइटम, जब आप सिलेक्शन करते हो एन आइटम में आर का सिलेक्शन करते हो, इसका मतलब हुआ कि जो एन होगा वो आर से क्या होगा, बड़ा होगा, या आर एन से क्या होगा, छोटा होगा। अभी तक हमने यही देखा, तो कुछ नहीं करना है आपको, एन सी आर की फॉर्मूला लगाना है, यही करते थे। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अब शायद आप ये चीज़ें समझ गया होगे इतना एग्जांपल करने के बाद, कंक्लूजन हमारा यही निकला है। उसके बाद केवल सिलेक्शन है, अरेंजमेंट ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है अरेंजमेंट, और ना ही इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है। शायद ये चीज़ें ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं करता है, वो चीज़ें हमने आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि क्यों नहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है और ऑर्डर कहाँ इंपॉर्टेंट करेगा। उसके बाद जब हम आपने परमुटेशंस कराए थे पिछली क्लास में, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, जैसे अगर आपके सामने एस यू डबल सी डबल एस वर्ड लिखा हुआ है तो कितने सारे तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, कितनी सारी तरीके हो सकती है इसे अरेंज करने का अगर हम सारे लेटर्स का यूज करें तो। तो आपने ये बोला था कि सर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने तरीके हैं, तो 7 तरीके हैं, 7 का फैक्टोरियल। उसके बाद सर जो जो नंबर जो जो लेटर सिमिलर है, तो 3 एस है तो 3 का फैक्टोरियल, 2 सी है तो 2 का फैक्टोरियल। ये टोटल हमारे सामने क्या होंगे, अरेंज करने का तरीका होगा। अगर हम आपसे रीअरेंज के बारे में पूछे थे तो सर इस लेटर को छोड़ इस वर्ड को छोड़ देंगे यानी -1 कर देंगे, ये रीअरेंज का तरीका हो गया। तो ये था परमुटेशन में। अगर हम आपसे पूछेंगे अगर हम आपसे पूछे कि हमारे सामने अगर 3 कुछ ऐसा, चलो मान लिए 4 हमारे सामने कोई लेटर लिखा हुआ है ए ए ए ए, किसी 3 का सिलेक्शन करना है, किसी 3 का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। आप बताओ किसी 3 का सिलेक्शन जब करोगे तो हो सकता है आप इस तीनों ए को लो, हो सकता है आप इस तीनों ए को लो, या हो सकता है आप इस तीनों ए को लो, ऐसे बहुत सारी ठीक है कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको दिख रहा है क्या कि हर एक बार हम केवल और केवल ए ए ए मतलब बिल्कुल सेम वर्ड को उठा रहे हैं, यानी केवल और केवल एक ही तरीका पॉसिबल है, ये सारे नंबर एक ही है ना, ये सारे वर्ड एक ही है ना, यानी जब 3 का सिलेक्शन करना है सिमिलर आइटम में तो केवल और केवल एक तरीका है। क्या ये बातें समझ में आई सभी को, ये चीज़ें समझ में आ रही है सारे लोगों को? अगर हम आपसे बोलते कि 2 का सिलेक्शन करना है तब भी आप यही कहते सर ए ए होगा या फिर किसी तरह से ए होगा, इसके अलावा कोई और सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें भी हमें एक वेज ही मिलता, एक ही तरीका केवल और केवल है सिलेक्शन का। यानी जब हमारे सामने सिमिलर आइटम है तो हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन में केवल और केवल कितने सारे तरीके हैं, एक तरीके हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि जब आपके सामने 2 तरह की चीज़ें हों, एक तो आइडेंटिकल चीज आइडेंटिकल और एक इनडिस्टिंक्ट आइटम, डिस्टिंक्ट मतलब कि जब आपके सामने कुछ जो वस्तुएं या कुछ जो आइटम दिया हुआ बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल सेम हो और अलग अलग हो, दोनों कंडीशन में अगर आपका आर का सिलेक्शन करना है, आर टर्म्स को सिलेक्ट करना है, इसमें भी हम आर टर्म को सिलेक्ट करते हैं, तो इसका केवल और केवल एक तरीका होगा, कंक्लूजन दिखा रहे हैं हम आपको। और जब एन डिस्टिंक्ट यानी एन अलग अलग तरह की चीज़ें हों और आर टर्म को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ एन सी आर फॉर्मूला होगा, ये केवल और केवल एक तरीके होंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन है। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ में आया सबको? इसके आगे वाली जो चीज़ है वो समझते हैं हम। देखिए इसके आगे क्या है,
कि अगर आपके सामने चार आइटम हो, बिल्कुल सेम हो, चार आइटम हो और बिल्कुल सेम हो, अगर हम बोलेंगे कि जीरो सिलेक्शन हमें करना है, तो आप क्या पढ़े हो कि अगर हमें NCR दिया हुआ है तो N का टोटल वैल्यू चार और C और सिलेक्शन कितना का, जीरो का। तो आपको ये बता रहे हैं, आप समझ जाओगे, यहाँ से फोर का फैक्टोरियल, नीचे फोर में से जीरो गया, जीरो, ये फोर का फैक्टोरियल और जीरो का फैक्टोरियल। आपको पता है फोर का फैक्टोरियल बिल्कुल सेम है, और जीरो का फैक्टोरियल कितना हमने आपको बताया, एक। यानी जब हम किसी सिमिलर आइटम में से एक भी सिलेक्शन नहीं करते हैं तो वो कितने तरीका देता है हमारा, वन वेज देता है। ये समझना सभी को चाहिए, क्योंकि हमने आपको दिखा भी दिया यहाँ पे कि सिमिलर आइटम में जब जीरो सिलेक्शन होती है तो कितने तरीके हो सकते हैं, केवल एक तरीके हो सकते हैं। अगर हमने आपसे पूछा वन सिलेक्शन करना हो, तब भाई सिमिलर आइटम है, एक सिलेक्शन भी करोगे तो केवल और केवल एक तरीका होगा। अभी हमने आपको सिखाया था कि जब हमारे सामने ए ए ए लिखा हुआ है और हम बोलेंगे कि अगर आपको दो सिलेक्शन करना हो किसी भी लेटर का, तो चाहे कुछ भी सिलेक्शन करोगे केवल और केवल एक ही चीज़ मिलेगा, यानी वन वेज होगा और वो होगा ए और ए, ऐसे फॉर्म में मिलेगा आपको। उसी तरह से सिमिलर आइटम में अगर वन सिलेक्शन करेंगे तब भी वन वेज, अगर हमने आपको बोला टू सिलेक्शन करना है, यानी किसी दो लेटर को सिलेक्शन करना है, तब भी केवल और केवल एक ही चीज़ मिलेगा, ओ ओ मिलेगा, ओ ओ मिलेगा, या इसको चुनोगे तब भी ओ ओ मिलेगा, समझ रहे हो। या तीन का सिलेक्शन करना है तब भी वन वेज, चार का सिलेक्शन करना है तब भी वन वेज। ये बातें समझ में आई सभी को, क्लियर है? आपने क्या देखा, जब जीरो सिलेक्शन किए वन वेज, वन सिलेक्शन, वन टू थ्री फोर, सभी में सभी के सभी वो एक ही तरीके से अरेंज होंगे। अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछता कि जीरो और मोर सिलेक्शन, यानी जीरो या उससे अधिक अगर सिलेक्शन करेंगे हम इसमें लेटर को, तो टोटल कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप यही कहोगे 1 2 3 4 5। तो आपने कहा 5। अब ये 5 कहाँ से मिला ये समझना है। आप देख रहे हो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कितना, 4, तो प्लस 1 कर दिए। यानी जैसे ही आपसे पूछे कि सिमिलर आइटम में कि जीरो और मोर सिलेक्शन, तो आपको n प्लस 1 लगाना था और आपका आंसर मिल जाता। क्या ये चीज़ें सबको समझ में आई अच्छे से? क्वेश्चन आता है आपका ऐसे कि सिमिलर आइटम है, जीरो सिलेक्शन, वन सिलेक्शन, टू सिलेक्शन, थ्री और फोर सिलेक्शन अगर हमने किया तो वन वेज सारे के मिलेंगे, और क्वेश्चन आता है कि अगर जीरो और मोर सिलेक्शन करना हो, इसका मतलब है कि या तो जीरो या फिर जीरो से मोर, मतलब 5-4 तक, इसका मतलब है टोटल कितने हमारे सामने वेज होंगे, एन प्लस वन वेज होंगे, यानी 5 कैसे मिला, 4 प्लस 1। क्या ये चीज़ें समझ गए? और अगर इसी में पूछ लेता एट लीस्ट वन, तो जब एट लीस्ट वन पूछता तो उस कंडीशन में जीरो सिलेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक का सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4, यानी टोटल और टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ नंबर भी कितना है, 4 है, इसका मतलब टोटल जो वैल्यू दिया होगा वही एट लीस्ट वन सिलेक्शन में आपका तरीका होगा। समझ में आ रही है? दो चीज़ें हमने सीखा कि वन और मोर में, एन प्लस वन, एट लीस्ट वन में टोटल नंबर ही आपका वेज होता है। जैसे अगर हमारे सामने ए बी सी तीन लेटर होते और आपसे अगर पूछा जाता जीरो सिलेक्शन अगर हम करेंगे, यानी एक भी अगर इस लेटर को नहीं चुनेंगे, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है ए बी सी जो हमें दिख रहा है, यानी केवल एक तरीका है, वन वेज। अगर वन का सिलेक्शन करेंगे तब कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, आपको समझना है। यहाँ सेम नंबर नहीं है, यहाँ आइडेंटिकल नंबर नहीं है, आइडेंटिकल टर्म नहीं है, यहाँ डिस्टिंक्ट लेटर हमें दिख रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब सेम होगा तो केवल और केवल एक तरीका, लेकिन जब अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, तो वहाँ हम NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी तीन टोटल हैं और एक का सिलेक्शन करना है तो 3C1, क्लियर हो गई। अगर दो का सिलेक्शन करना होगा तो 3C2, और अगर तीन का सिलेक्शन करना होगा तो 3C3। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे इसे करेंगे सॉल्व। तो जब 3C1 होगा तो आपको पता है ये 3 का फैक्टोरियल होगा, मतलब 3 वेज होगा यहाँ पे, और 3C2 जब करना होगा तो आपको पता है ये 3
गुना दो और दो गुना एक, मतलब ये केवल और केवल यहाँ भी तीन तरीका और ये वन तरीका। यानी हमें क्या दिखा कि जब यहाँ पे हमें सिलेक्शन 0, 1, 2, 3 का करना था तो यहाँ वन तरीका, तीन तरीका, तीन और एक तरीका। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि जीरो और मोर सिलेक्शन, अगर आपके सामने ये नंबर या ये लेटर लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है और जीरो और मोर सिलेक्शन करना होता तो टोटल कितने वेज होते, तो 1 + 3 + 3 + 1 यानी टोटल 8 तरीका होता। किस में? वन और मोर में। लेकिन अगर हम आपसे एट लीस्ट वन पूछ देते तो आप देख रहे हो यहाँ से 3, 3, 6, 1, 7 यानी ये हमारे सामने कितना होता, एट लीस्ट वन में 6, 1, 7 हो जाता। ये बातें आप समझ में आ रही हैं आपको? अगर इसी तरह से अगर हमारे सामने एक और नंबर हम लिख के दिखाते हैं ABCD, चार लेटर है और पहले जीरो सिलेक्शन करना होगा, तो आपको हमने बताया वन वेज। अगर यहाँ टोटल चार में से वन का सिलेक्शन करना है तो 4C1, दो का सिलेक्शन करना है 4C2, तीन का सिलेक्शन करना है 4C3 और फोर का सिलेक्शन करना है तो हम कहेंगे कितना, 4C4। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये एक होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, ये कितना होगा, 4 3 और ये 2 1 यानी 6 होगा और ये 4 3 2 3 2 1 ये 4 होगा और ये हमारा कितना होगा, 1 होगा। यानी जब हमने देखा यहाँ से कि जब हम जीरो और मोर का सिलेक्शन करेंगे तो 4 1 5 6 4 10 4 14 और 2 16 यानी जब हम जीरो और मोर का सिलेक्शन करते हैं तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी मिलेगी। आपको एक चीज़ दिखेगा, जब तीन था हमारे सामने और जीरो और जब मोर का सिलेक्शन कर रहे थे तो टोटल 8 वेज था, लेकिन जैसे ही हमारे सामने चार लेटर आते हैं और जीरो और मोर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे सामने टोटल वेज 16 वेज आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में, जहाँ समेशन ऑफ, हमने आपको दिखाया था कि समेशन ऑफ NCR, जहां R का वैल्यू 0 to n होता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट 2 raised to power n होता है। ये समेशन ही तो है। अब आप बताओ जब तीन था तो 8 लिखा हुआ था, ये 2 raised to power 3 है या नहीं, तो आप कहोगे जी हाँ। यहाँ 4 था और 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 raised to power 4 लिखा हुआ है या नहीं, तो आप बिल्कुल कहोगे जी हाँ लिखा हुआ है। तो आपको ये दिखा कि जब नंबर डिस्टिंक्ट हो, यानी जब नंबर डिस्टिंक्ट हो और जीरो और मोर का सिलेक्शन करना हो तो 2 raised to power n लगाएंगे, और जब नंबर आइडेंटिकल हो, सेम हो और जीरो और मोर का सिलेक्शन करना है तो n+1 लगाएंगे। क्लियर हो गई चीज़ें? समझ में आई सारे लोगों को ये बातें ना? अब हम कंक्लूजन पे पहुँचे। कंक्लूजन क्या था कि अगर हमारे सामने n आइटम जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग जिसे हम बोल रहे हैं, और n जो है वो आइडेंटिकल है यानी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। दो तरीके हैं, अगर हमारा r का सिलेक्शन करना होता यानी कुछ जिसमें r टर्म का अगर हम सिलेक्ट करते तो इसके लिए आप NCR लगाते हो और इसके लिए केवल और केवल वन वेज है। सेम चीज़ों में हमने आपको बताया था केवल और केवल वन वेज। अब है जीरो और मोर का अगर जब हम सिलेक्शन करेंगे तो अलग अलग चीज़ों में 2 raised to power n होगा और n आइडेंटिकल में n+1 होगा वेज। अगर हम आपसे एट लीस्ट वन कहते हैं, एट लीस्ट वन का सिलेक्शन करेंगे, n वेज होता है और इसमें 2n⁻¹ होता है। चीज़ें समझ में आई आपको? इसे लिखना है, आप कॉपी पे लिख लो वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। ये रिजल्ट हमें कंक्लूजन, अभी जो भी चीज़ें हमने सीखा है उसका पहले एग्जांपल करके और अब आपको कंक्लूजन हमने दिखाया है। अब आते हैं हम हैंडशेक वाले क्वेश्चन पे। आपने ऐसा क्वेश्चंस देखा है कि ग्रुप में लोग हैं और वो हाथ मिलाना शुरू किए तो कितने हाथ मिलेंगे एक साथ और ये सब चीज़ें। इसमें भी दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो तरह की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो समझाते हैं। जैसे अगर हमारे सामने पहले छोटा सा एग्जांपल है, तीन लोग हैं ABC और ये हाथ मिलाना शुरू किए, मतलब ए अगर ए के साथ यानी बी के साथ मिलाया, बी अगर सी के साथ मिलाया और ए अगर आपको सी के साथ मिलाया, हाथ तो इतना ही मिलेगा ना आपका,
हाथ तो इतना ही मिलेगा, या आप कह रहे हो सर एक बार ए बी से मिलाएगा और सर एक बार बी ए से मिलाएगा, भाई दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर है, चाहे ए बी से मिलाए या बी एक से मिलाए, हाथ तो दोनों का एक ही मिलेगा। क्लियर हो रही है बातें, आप समझ रहे हो? ये कुछ भी नहीं है, ओनली कॉम्बिनेशन है। कैसे समझते हैं इस बातों को? अभी हमने आपको समझाया था कि देयर आर एन आइटम्स एंड यू सिलेक्ट फ्रॉम आर, तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी एनसीआर। यहां पे आपको पता है जब हाथ हम मिलाएंगे एक अलग व्यक्ति से यानी सामने वाले व्यक्ति से, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है? दो। वहां ग्रुप में भले ही 10 आदमी हो लेकिन हाथ केवल और केवल दो लोगों के बीच में मिलेगी, यानी NC2। हैंडशेक का फॉर्मूला आ गया हमारा NC2, हैंडशेक का फॉर्मूला आ गया NC2। जैसे यहाँ पे टोटल तीन लोग थे और C2, बताइए मिला हमें फॉर्मूला तीन। अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं और हाथ मिलाना शुरू किए तो कितने हाथ मिलेंगे? 10C2, यही हमारा आंसर है। क्लियर है बातें? अगर हमारे ग्रुप में 15 लोग हैं और हाथ मिलाना शुरू किए 15C2, हो गया आंसर हमारा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा है ना प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ गया? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने देखा होगा मैच, जब आप देखते हो, ऐसे समझिए इस बात को कि आप मैच देखते हो तो एक तो होती है कि एक बार अपनी ही टीम के लोग एक जगह गैदरिंग करके और कुछ वो करते हैं वार्तालाप करके, और जब वो बाहर निकलते यानी जब वो वहाँ से दूर जाते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं, यानी केवल इंडिया के टीम के लोग हाथ मिलाते हैं। तो ये हमारा इंडिया सपोज हो गया, समझिएगा इस तरह से, और एक ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो पहला कंडीशन था कि जब इंडिया के लोग ही मैच जीत जाते हैं तो आपस में ही हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं 11 लोग, ऐसा समझ लीजिए। यानी किसी भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं अगर वो आपस में हाथ मिलाना शुरू करेंगे तो आपको हमने ये फॉर्मूला दिया NC2 दिया। लेकिन अगर ऐसा भी होता है, आप देखे हो जब मैच लास्ट हो जाता है तो एक दूसरे के टीम आपस में हाथ मिलाते हैं, बधाई देते हैं जीतने या हारने का, ठीक है। अगर इंडिया में टोटल एम लोग थे यानी एम प्लेयर थे और ऑस्ट्रेलिया में अगर एन लोग थे तो टोटल कितने हाथ मिलेंगे? उस कंडीशन में एम इंटू एन वेज होगा भाई साहब। दो कंडीशन है हाथ मिलाने का, एक कि आप खुद अपने ग्रुप के बीच में मिलाओ हाथ, दूसरा दो ग्रुप के लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, जहां एम लोग और एन लोग हैं तो टोटल कितने हाथ मिलेंगे? एम इंटू एन हाथ मिलेगा। क्लियर हो गई? कोई डॉट नहीं रह गया अब आपको। आगे देखेंगे हम, आपने ऐसा देखा है अगर हमारे सामने ए ए बी सी ऐसा लिखा हुआ है कुछ लेटर, सबसे पहले अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, परमुटेशन में आपने पढ़ा था, तब आपका सवाल होगा कि सर ये टोटल 4 का फैक्टोरियल है, यानी 4 है तो 4 का फैक्टोरियल और दो नंबर बिल्कुल सेम है, दो लेटर बिल्कुल सेम है तो 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ये है इस नंबर इस लेटर को अरेंज करने का तरीका सारे लेटर को। लेकिन अगर हम आपसे प्रश्न पूछ दिए कि केवल 2 का सिलेक्शन करना है, इस 4 में से केवल 2 का सिलेक्शन करना है, बात ऐसे समझिएगा, इस 4 में से केवल 2 का सिलेक्शन करना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बार ये ही मिलेगा, एक बार ए बी के साथ, एक बार ए सी के साथ और एक बार बी सी के साथ, ये पॉसिबिलिटी है टोटल दो लोगों को साथ रखने का। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बताइए ज़रा आप? ये 4 लोग हैं तो दो दो को साथ रखने की यही पॉसिबिलिटी है ना। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है जहां ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपने एनसीआर का तो फॉर्मूला लगाया था सर, आप यही बोलोगे, हम भी कहेंगे जी हाँ बिल्कुल 4C2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको पता है 4 × 3 2 × 1 यहाँ पर आ गया टोटल 6। अब लो यहाँ था टोटल कितने तरीके, 4 तरीका, और यहाँ टोटल कितने तरीके हैं, 6 वेज आ गए हमारे सामने, तब तो ये गलत हो गया ना। जी हाँ बिल्कुल गलत हो गया, गलत इसको सही कैसे करेंगे ये समझना था आपको। देखिए यहाँ पे ये 6 यानी 2 कहाँ मिस हो गया, 2 कहाँ मिस हम कर दिए, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि यहाँ देख रहे हो कितना लेटर सेम है, तो आप कह रहे हो सर 2 लेटर सेम है, तो अगर जैसे हमारे सामने यहाँ पे कुछ और लेटर आ जाता
ए बी सी डी आ जाता, तो हम जो यहाँ ए के साथ केवल एक ही पॉसिबिलिटी बना पा रहे हैं वो डी के साथ मिलकर के दो पॉसिबिलिटी और देता जब हमारा अलग अलग होता। तो जैसे अगर आप समझिएगा कि ए बी सी और डी है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आप बोलेंगे किसी दो का सिलेक्शन करना है तो आप कहोगे 4C2 होगा सर, यानी टोटल 6 तरीका होगा। कैसे? ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए डी, क्लियर हो गया, बी सी बी डी और सी डी। देख रहे हो कितने सारे तरीके हो गए हमारे सामने, 3 तरीके हो गए। तो जो हम ए के साथ, समझना है आपको, एक बार जो डी हमने लिया है यहाँ पे, उसी के जगह पे हमने वहाँ ए रखा है, ऐसे समझिएगा। तो जहाँ जहाँ ए डी है वहाँ हम ए ए करेंगे, ये समझ में आ गई। उसके बाद फिर समझिएगा, जहाँ पे हमने और क्या किया, डी कहाँ है, बी डी है, तो यहाँ पे हमने ए किया और यहाँ पे ए है, हमने ए किया। अब आप समझो कि चीज़ें देखो, यहाँ से ए बी और ए बी ए दोनों अलग अलग है या सेम है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो जो ये चीज़ें हमने लिखा है सेम, ये चीज़ें आप यहाँ से निकाल देते हो। इसका मतलब ये समझना है, इतना ये चीज़ें नहीं करना है आपको, ये समझाने के लिए था कि जितने नंबर आपके सेम हैं या जितने आपके अल्फ़ावेट सेम आ रहे हैं, आप उसको क्या करो, घटा लो। यानी 6 में से 2 गया 4, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आपको कितना अरेंज करना था, 2-2 का अरेंज करना था, और देखना है कि कितना सेम आ रहा है। तो 2 सेम आ रहा है तो 2 को घटा लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या ये बातें समझ में आई सारे लोगों को? ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, वो समझना है हमें। जैसे अगर आपके सामने 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है ऐसे समझिएगा, और आपसे बोला गया है कि आपको लाइन बनाना है। लाइन बनाओगे तो आपको 2 पॉइंट तो ज़रूरी है, 2 पॉइंट आपको ज़रूरत पड़ेगी ना लाइन बनाने के लिए, या ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे। तो आपने टोटल कितना लाइन बनाया, 3 लाइन बनाया। 3 पॉइंट की सहायता से आपने कितना लाइन बनाया, 3 लाइन बनाए। और एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। बात समझ रहे हो आप? जब 2 पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते थे 3C2। आप देखो, जब 3C2 लिखेंगे तो हमें 3 ही आंसर मिलेगा। यानी 3 पॉइंट की सहायता से हमें 3 लाइन ही बनाना है, 3 लाइन ही हमें से बनेगा। और ये भी कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जैसे हैंडशेक का आपने फॉर्मूला निकाला था NC2, जस्ट लाइक ये भी फॉर्मूला NC2, बिल्कुल सेम। अब आप बताओ यहाँ से कि हमारे सामने कुछ ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बिंदु दिया हुआ है, और आपसे टोटल लाइन पूछेगा कि कितने लाइन हम बना सकते हैं, तो 7C2 यही हमारा आंसर होगा। अगर आपके सामने 10 पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि कितने लाइन बनेंगे, तो 10C2, क्लियर। देखो इसमें और भी डीप पढ़ना है कि अगर लाइन कोलिनियर हो तब क्या कंडीशन होगा, उस चीज़ों को अभी हम वो नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम तक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बस क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और आपसे बोलेंगे कितने लाइन बन सकती है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कुछ पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपसे बोलेगा कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो कितने त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको कितनी पॉइंट की होनी ज़रूरत है, तो आप कहोगे सर 3 पॉइंट की हमें ज़रूरत है एक त्रिभुज बनाने के लिए। इसका मतलब है कि इसमें NC3, यानी आप देख रहे हो कि 3C3, यानी ये वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। तो आप देख रहे हो कि जब हम 3 पॉइंट का यूज किए तो केवल और केवल एक त्रिभुज मिला है। इसका मतलब है कि त्रिभुज बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा NC3, अगर आपके सामने 10 पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो कि आपके सामने 10 पॉइंट दिया हुआ है और कितनी त्रिभुज बनेगी, तो 10C3 आपका आंसर होगा। 7 पॉइंट दिया हुआ है और कितनी त्रिभुज बनेगी, तो 7C3 आपका आंसर होगा। क्या ये चीज़ें समझ गए सारे लोग? हैंडशेक, ट्रायंगल और लाइन बिल्कुल सेम है। ट्रायंगल है 3 बिंदु को मिलाने से बनती है, इसलिए बेस में 3 रखेंगे। लाइन 2 बिंदु को मिलाने से बनती है, इसलिए हम बेस में कितना रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको? तो ये था कॉम्बिनेशन का, और अगर इसमें कुछ और बेहतर है जो रह गया है तो वो हम अगले क्लास में फिर कोशिश करेंगे आपको बताने की। आज की क्लास उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लोगों तक शेयर करिए, लोगों को बताइए। अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो। ओके, बाय बाय।